हेलो फ्रेंड्स, अनसाइटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं जो ईंट का चुनाई हुआ है, ब्रिटिश स्टाइल ईंट ऐसे बोला जाता है चुनाई को। तो आज हम इसके बारे में काम कैसे किया जाता है, कैसे चुनाई किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। और इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको चुनाई एकदम देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे चाहें तो कलर करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर ऐसे भी करें तो आपको घर का फिनिशिंग देखने में अच्छा लगता है। और प्लास्टर भी करवाते हैं तो इसमें पकड़ ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या प्रोसेस है और ऐसे करें सब। अगर जो घर पूरा बने कोई भी घर तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आप कोशिश करें, टाइम उतना देखिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मसाला भी कोई ज़्यादा नहीं लगता। मसाला सिर्फ 1 सेंटी यानी 12 से 10 mm तक आप दे सकते हैं इसमें। तो और थोड़ा ईंट, इसमें ईंट में क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तब जाकर थोड़ा अच्छा लगता है। जो ख़राब ईंट है तो उसको थोड़ा बाहर कर दें, कोई दूसरी दीवार में दे सकते हैं। जो फ्रंट है उसमें थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ईंट हो, जो इसमें बढ़िया क्वालिटी, वही इसमें चुनाई करना चाहिए। और थोड़ा बढ़िया ईंट हो, पका ईंट हो, ताकि खुला रहता है कि इसमें नोना वोना बार नमी उमी ना पकड़े, इसलिए। और देख सकते हैं ऐसे भी चुना गया है, दीवार देखने में अच्छा लगता है। और थोड़ा ईंट का साइज बराबर होना चाहिए, ताकि जो अपर डाउन का जॉइंटिंग होता है वो अच्छा रहे। हम देख सकते हैं ये प्लाई है, मेरा 10 mm से 12 mm का प्लाई होता है, ये 12 mm का प्लाई है। और इसमें जो 1 सेंटी पे कील गड़ा गया है, ताकि मसाला अंदर न जाए और मसाला प्रॉपर बराबर बिछे। और इसका ये बता दूं मैं, नीचे से ही आपको लेवल बराबर करके लाना है, ताकि मसाला जो बिछे तो बराबर जाए और दीवार बराबर दिखे, तभी दीवार में फिनिशिंग रहेगा और अच्छा लगेगा। तो मसाला देख सकते हो इसलिए गड़ा गया है ताकि मसाला अच्छा से बिछे, प्रॉपर बिछाए, बढ़िया तरीके से बिछाए और एक बराबर बिछेगा, तभी आपका दीवार दिखने में अच्छा रहेगा। और आप प्लास्टर नहीं भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लास्टर कराएंगे तो और इसका पकड़ प्लास्टर का अच्छा हो जाता है। तो आप प्लास्टर भी करा सकते हैं, बारह की दीवार तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ईंट आपको एकदम बराबर बिल्कुल रखना है। और साउल वोल जो पलम भी बोलते हैं इसको, उलन भी बोलते हैं, वो अच्छी तरीके से लें, ताकि आपका दीवार एकदम सीधे दिखे। जॉइंटिंग जो ईंट रखने का बता रहा हूँ, जो ईंट जो रखिए इस पर जॉइंटिंग प्रॉपर बराबर रहे। और छोटा मोटा ईंट है उसको थोड़ा छटैया कर दीजिए, ताकि वो दूसरे दीवार में अपर अंदर दीवार में कर सकते हैं। और देख सकते हैं वो भी 12 mm का ही इसमें गैपिंग रखे, आप 10 mm भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा 12 mm का प्लाई, उसी के हिसाब से मैं गैपिंग कर रहा हूँ। आप प्रॉपर बराबर ईंट रखें, और ईंट कभी भी चिनाई करते समय आप ईंट का थ्राउत अच्छी से कर ले, तभी इसका पकड़ बढ़िया होगा और मजबूत होगा। आप देख सकते हैं उसमें भी 1 सेंटी का ही अंतर की लगाया गया है, ताकि उसमें भी मसाला बराबर जाए, ताकि जब आप थोड़ा कटिंग वटिंग करें तो अच्छा रहे। देखो ग्रुप कटिंग में थोड़ा इधर से मसाला हो जाता है, तो उसको थोड़ा हाथ से भी कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ यूज करके कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मसाला इधर उधर होता है, तो ऐसे प्रॉपर। और इसमें ये बता दो जो मसाला अच्छे से था गीला ना हो, था पूरा फुल क्यून करके यूज करें, और मसाला थोड़ा ज़्यादा गीला ना हो, मिले में तो मसाला फैल के गिरने लगता है, तो ईटा चुनाई जो होता है ख़राब दिखने लगता है। इसलिए मेरा सजेशन है आप अच्छी इस तरह से करें, कोई भी मिस्त्री जो नया मिस्त्री हो पुराना मिस्त्री हो ऐसे करेंगे आप तो आराम से। और ये बता दो एक बोरी सीमेंट में अगर 1-4 का या 1-5 का भी चुनाई करते हैं, तो अभी 250 से 300 तक ईंट आप इसे चुनाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसमें मसाला ज़्यादा लगता है, कोई मसाला नहीं, फिनिशिंग आपका प्रॉपर रहेगा, कोई नया मिस्त्री ऐसा काम कर सकता है। ये 5 इंच का दीवार है, 5 साढ़े 4 इंच मानिए, तो और 9 इंच का भी दीवार आप ऐसे जोड़ चुनाई कर सकते हैं, वो भी आप अगर आप करते हैं तो बेहतरीन बाहर से दिखने में लगेगा। तो ऐसा बात नहीं, तो आप ऐसे करिए और इसका ट्राई करें, और उसके बाद कमेंट कर सकते हैं प्लीज और भी कोई सवाल के लिए। और भी जानकारी के लिए मैं व्हाट्सअप अपना दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, और भी कोई वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप दिया हूँ, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। कोई हेल्प हो, कोई फ़ोटो हो तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। हाँ, बहुत लोगों को मैं शेयर करता हूँ जो हमारे व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, कोई भी हर चीज़ काम की जानकारी के लिए। तो देख सकते हैं फुली फाइनली है, वीडियो कम्प्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।